कुरान और हदीस की रोशनी में बारिशें न होने की वजह। नंबर एक, नाप तोल में कमी करने की वजह से। नंबर दो, अपने अमवाल में से जकात न देने की वजह से। नंबर तीन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी न गुजारने की वजह से। नंबर चार, बेईमानी और अल्लाह तबारक व तआला का खौफ न होने की वजह से। नंबर पाँच, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र न करने की वजह से। नंबर छः, अपने गुनाहों पर अल्लाह तबारक व तआला से माफी न मांगने पर। आइए मिलकर इल्तजा करते हैं, मौला हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, मौला तू गफूर है, रहीम है, करीम है। मौला अपनी रहीमी के सदके हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। मौला तुझे वसीला पेश करते हैं अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मौला अपने महबूब के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और बरान रहमत का नजूल फरमा। मौला रहमत वाली बारिश अता फरमा। मौला हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, मौला तू गफूर है, रहीम है। मौला अपनी रहीमी के सदके हमारे गुनाहों को न देख, अपनी रहीमी के सदके रहमत वाली बारिश अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।